निमकी के परिवार की फिर बड़ी मुसीबतें। जी हाँ, हवेली वालों से परेशान होकर अपने घर आ चुकी निमकी ने सभी से बोला है झूठ कि वो नाराज होकर आई है और निमकी ने बनाई है एक झूठी कहानी। लेकिन इतने दिन होने के बाद निमकी के पिता हवेली में बात करके आते हैं, जहाँ उन्हें सिर्फ निराशा ही मिलती है। निराश पापा सभी को ये भी बताते हैं कि बब्बू ने भी निमकी को ले जाने से कर दिया है साफ इनकार, और ये बात सुनकर निमकी के दिल को लगती है ठेस। और फिर निमकी अपने पापा के वहाँ जाने पर करती है सवाल। इसी बीच निमकी की छोटी बहन पापा के परेशान होने के पीछे की असली वजह बताती है कि कैसे सभी गांव वाले उनसे सवाल कर रहे हैं और ताना मार रहे हैं। दीदी, सारा गांव उसके बारे में बात कर रहा है जो हवेली वाला लोग निकाल दिया तुमको, और पापा सब पापा से पूछ रहे हैं कि बेटी मायके में काहे बैठी है। तू क्या करते पापा, जाते नहीं का पूछने? लेकिन निमकी अब ज्यादा देर तक परेशान तो रह नहीं सकती, तो बस तभी वहाँ आ जाते हैं टुंडे और निमकी को मूवी पर ले जाने के लिए मना लेते हैं। चलिए अब निमकी से ही जानते हैं इस पूरे सीन के बारे में। तो अभी हुआ जो सीन वो ये है कि बब्बू आने से मना कर देते हैं कि मैं पिकअप नहीं करने आऊँगा, और असलियत मेरे फैमिली को पता नहीं है कि एक्चुअल में ससुराल में क्या हो रहा है। बट उसने आके सबको यहाँ पे ये बताया कि वो बहुत खुश है, बब्बू जी को हम मना रहे हैं, वो बस यही चाहते हैं कि दो दिन और एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे स्पेंड करूँ आप लोगों के साथ। तो बस ये निमकी झूठ बोल रही है, और निमकी बस ये बोलना चाहती थी कि मैं पापा को चिल्लाती है कि आप क्यों गए, मतलब आपका कोई वैल्यू नहीं है क्या, और आपको नहीं जाना चाहिए था। तो अभी एज यूजुअल सीन इतना सीरियस चल रहा है, अचानक से टुंडे आता है मूवी का टिकट लेके, और टुंडे उसको बोलता है कि मूवी देखने जाते हैं सलमान खान की। पहले तो वो जवाब नहीं देती, पर एंड में बोलती थी कि बब्बू जी तो नहीं आ रहे, फिर मूवी देखने ही चलते हैं। तो निमकी एंड में आ ही जाती कहीं ना कहीं, अच्छी एक मेरा एक सरप्राइज वाला शॉक फील वाला वो दे के चली जाती है हर किसी को। निमकी तो निमकी है, कितनी भी परेशानी हो वो खुश होने का तरीका ढूंढ ही लेती।